हनुमान जितने हमारे बुजुर्ग आप और हमारे साथी हैं, मैं सबको नमन करता हूं। मेरे सामने आसपास चारों तरफ दिख रहे हैं लोग, भोली भाली मेरी जनता, मेरे भाई बहन, मैं इनको सबको नमस्कार करता हूं। मैं समझ रहा हूं कि हमारे वक्ताओं ने, पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया, यानी हर विषय पर प्रकाश डाला है, हर बीमारी पर प्रकाश डाला है। मैं उसके निदान पर प्रकाश डालूंगा, क्योंकि एक विषय को बार बार रिपीट करना ठीक नहीं लगता। अब मूलतः उसकी बीमारी का इलाज भी होना चाहिए, उसका एक ही इलाज है। हमारा ऐसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एक हो जाए, यानी ये इलाज है। एक उंगली से तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो सकती है। आपको अपने दिल में से भय निकाल देना है। चुनाव के टाइम पर ईवीएम पे जब आप बटन दबाओगे तो वहां दिल्ली में चीज निकल जाएगी, पर ये अपनी एकता के साथ ऐसा करना है। हम लोगों ने, हमारे इतने जो दल हैं प्रदेश में, उनमें से मेरे ख्याल से 13-14 दल हमारे इकट्ठे हो गए हैं। हमने संविधान बचाओ, सरकार बनाओ, अपनी सरकार बनाओ, ये मोर्चा बनाया हुआ है, जिसमें हमारे आदिवासी भाई, एसटी के भाई और माइनॉरिटी के सभी लोग हैं, ओबीसी के भी, हम लोग ओबीसी के भी हैं। हम सब लोगों का एक ही विचार है कि हम अपने हक अधिकार कैसे ले पाएंगे, हम अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो हम प्रत्येक दल से मिलाकर के पूरे प्रदेश में जिसकी संख्या जैसी है, जिसकी भारी संख्या है, उसी अनुपात में हम अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे, सब मिलकर के एक। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहां मंच पर विराजमान होंगे कई संगठनों के, जाति संगठनों के लोग, अध्यक्ष जो भी हैं, अपने प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे समाज को कोई भी बांटने का प्रयास न करें। हम सब एक हैं, एक ही आवाज लगाना है हमको, हम सब एक हैं, एससी एसटी ओबीसी। और एक हमारा संकल्प है कि अब की बार आदिवासी सरकार, ये हमारा सभी दलों का एक संकल्प है। और आदिवासी सरकार से मतलब समझ लो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, हम सब मिलकर के और एक सरकार बनाएंगे। हमारी सरकार आदिवासी सरकार कहलाएगी। हमारे माननीय गुलजार सिंह मरकाम का इसमें विशेष, और आदरणीय रावण वर्मा जी का, और बाकी हमारे और भी साथी हैं, हमारे सब मंच पे मौजूद हैं। तो इन सब ने मिलकर के हमने यही विचार बनाया कि हम एक जगह से एक ही प्रत्याशी खड़ा करेंगे, वो किसी भी दल का हो सकता है। हम एक दूसरे में एक दूसरे के प्रत्याशी भी हो सकते हैं, किसी भी पार्टी में, जहां जिसकी संख्या भारी है उस अनुपात में हम बाकी सब लोग सहयोग करेंगे। जहां आदिवासी का प्रत्याशी हमारा भारी है, हमारा ओबीसी एससी बाकी सब उसकी सपोर्ट करेंगे। तो एक बात बताइए आप, मध्य प्रदेश में गिनती का अभी आकलन हुआ था चुनाव के समय पर 91.5%, 100 में से आप 91.5% हो, जो मैं जो बता रहा हूं मेजोरिटी हमारे साथ है, 91.5%। ये 91.5% हम सब एक हो जाए, इसकी मजाल है कि सरकार किसी और की बन जाएगा। अब की बार सरकार हमारी आदिवासी सरकार होगी, ऐसा हमारा संकल्प है। इसके लिए आपको सबको एकजुट रहना है और अपने प्रतिनिधि चुनना है जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। वो गरीब भाई भी हो सकता है, आपका साथी हो सकता है, कोई भी आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। अब आपके बीच में आते हैं लोग, पार्टियां आती हैं, हम 1,000 देंगे महिलाओं को पर मंथ, अब की 1,500 देंगे, फिर 2,000 देंगे, 3,000 देंगे, आप माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करते रहते हैं। बड़े ख्याल की बात है, ये हमारा पैसा है, हमारे जो टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है, जो हमारे कल्याण के लिए लगना चाहिए, अच्छी बात है ना, वो सब में बांटो।
किंतु उस हमारे पैसे से हमारा ही वोट खरीद रहे हो। हमारी सबसे बोली तो जनसंख्या है तो महिला है, हमारी बहन बेटियां हैं, उनको उल्लू बना रहा है। समझ लो, आपकी इस जेब से भाई की जेब काट रहा है 10,000 की, और महिला की अपनी एक महिला या जो भी है अपनी, उसको 1,000 दे रहा है। कितना फायदा दिया? कोई फायदा नहीं, माइनस में 9,000। और आपको उल्लू बनाकर आधी जनसंख्या को पागल बना रहा है। वैसे तो संवैधानिक तरीके से भी ये बहुत गलत बात है कि हम जो टैक्स के पैसा से वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, और इसमें संवैधानिक क्लेम भी बनता है। खैर, अब हमको ये ख्याल रखना है, इनके बहकावे में नहीं आना है, हमको एक रहना है। चाहे आदिवासी हो, हमारा आदिवासी भाई हो, एससी का भाई हो, एसटी का भाई हो, हम सब लोगों को भाईचारे से चलना है, कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। हम में छोटा कोई नहीं है। जो ऊंच नीच का जो भाव पैदा कर रखा है जन समाज में, वो एक चालाक जाति है जो पूरे देश पर राज कर रही है। पहचान लो उसको अच्छी तरह से, निशाने आपके आए तो चूकना नहीं। उसके लिए न गोली चलाना है, न लाठी चलाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ बटन दबाना। तो ये है मूल इलाज, ये है सब बीमारियों का। बाकी वक्ता लोग हैं, सभी और बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। जय जोहार, जय संविधान, जय भारत।